हेलो फ्रेंड्स, तड़ादार के किचन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं कृपाली। आज हम एक नाश्ता बनाना सीखेंगे जिसका नाम है महाराष्ट्रियन स्टाइल कोथिंबीर वड़ी। कोथिंबीर वड़ी बनाने के लिए सबसे पहले हम बेसन का बैटर बनाएंगे। उसके लिए मैं लूंगी बेसन, उसमें डालेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर, तीखापन देने के लिए डालेंगे चिली पाउडर, अदरक पेस्ट डालेंगे, हरी मिर्च की पेस्ट डालेंगे, हींग डालेंगे, तेल, नमक डालेंगे स्वाद अनुसार और डालेंगे पानी और हम इसे अच्छे से विस्क कर लेंगे। ध्यान में रखें, हमें लम्प फ्री बैटर बनाना है तो अच्छे से विस्क करना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए ये अच्छे से मिक्स हो गया है और साथ ही में मैं स्टीमर भी गर्म करने के लिए रख देती हूँ ताकि जैसे ही हमारा मिक्सचर तैयार हो कोथिंबीर वड़ी का, हम तुरंत उसे स्टीम करने के लिए रख सकें। ये रेडी है तो अभी हम उसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ धनिया। और डालेंगे रोस्ट करके क्रश किया हुआ पीनट का पाउडर और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए हमारा मिक्सचर तैयार हो गया है तो चलो अभी हम इसे स्टीमर की थाली में डाल देते हैं। यहाँ पे मैंने 6 इंच की थाली ली है जिसे मैंने तेल से ग्रीस करके पहले ही रख दिया था। और साथ ही में स्टीमर का पानी भी बराबर से गर्म हो गया है तो चलो अभी हम इसे स्टीमर में रख देते हैं। तो अभी हम ये प्लेट को इसमें रख देंगे और इसे ढक कर 12 मिनट के लिए स्टीम कर लेंगे। देखिए हमारा मिक्सर कुक हो गया है और मैंने इसे स्टीमर से निकाल के अच्छे से कूल कर लिया है। इसे अच्छे से ठंडा करना बहुत ही ज़रूरी है ताकि हम इसके पीसेस करें तो वो क्रम्बल ना हो जाए। तो चलो अभी हम इसे सबसे पहले थाली में से डीमोल्ड करते हैं। हम चाकू की मदद से इसके एजिस को लूज करेंगे ताकि वो डीमोल्ड ईजीली हो जाए। इस तरीके से हम इसे उठा लेंगे और रख देंगे और अभी हम इसके पीसेस काट लेंगे। देखिए हमने इसे अच्छे से कूल किया है इसीलिए पीस कट करने के वक्त ये क्रम्बल नहीं हो रहा है। हमें इसे स्क्वायर पीस में काटना है तो अभी हम इसे हॉरिजॉन्टली कट करेंगे। हम इसे थोड़े बड़े पीस में कट करेंगे ताकि हम फ्राई भी इजीली कर सके। ये देखिए हमारा कोथिंबीर वड़ी का क्यूब अच्छे से रेडी है तो चलो अभी हम तेल गरम करने के लिए रखते हैं और झटपट इसे फ्राई करते हैं। देखिए हमारा तेल अच्छे से गरम हो गया है तो चलो हम इसे फ्राई कर लेते हैं। एक टाइम में 5 से 6 पीस हम फ्राई करेंगे। ध्यान में रखें हमें इसे मीडियम आंच पे ही फ्राई करना है। गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसे फ्राई करेंगे। देखिए हल्का सा ब्राउन हो गया है, हम इसे थोड़ी देर और फ्राई करेंगे ताकि वो गोल्डन ब्राउन हो जाए। देखिए ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गया है तो चलो अभी हम इसे टिश्यू पेपर पे निकाल लेते हैं। और इसी तरीके से हम बाकी के कोथिंबीर वड़ी भी फ्राई कर लेंगे। हमारी महाराष्ट्रियन स्टाइल कोथिंबीर वड़ी रेडी है। आप इसे तीखा चटनी और मीठा चटनी के साथ सर्व कीजिए। झटपट से अपने किचन में जाइए, ये रेसिपी बनाइए और हमारे साथ आपके कमेंट शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए। डाउनलोड द तल्ला दलाल ऐप ऑन योर एप्पल एंड एंड्रॉइड डिवाइसेस।
फॉलो अस ऑन द फेसबुक एट तरलादलाल.com।